नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो कि यह हमारा टाइमिंग था। उसके बाद मार्केट में एक उछाल आई, उसके बाद पूरा का पूरा नीचे चला गया। और ये जो दूसरा हमारा टाइम था उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज चला गया, और जो तीसरा टाइम के आसपास मार्केट ने एक नया लो बनाया। तो ऐसे ही हमारा जो टाइमिंग है बहुत पावरफुली काम करता है। आपको इस जगह पर प्राइस एक्शन को देखना है और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। तो अगर आप नए हो इस चैनल के लिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, ताकि आपको निफ्टी बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में टाइमिंग्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों पता चल जाएगा। और मैं जो आपको सारा डिटेल में जानकारी देता हूँ वो सारा चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखिए, आज जो क्लोजिंग हुआ है बहुत ही अहम जगह पर क्लोज हुआ है, एंड अभी भी बैंक निफ्टी जो है अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी ये जो सपोर्ट है इतना आसानी से मेरे हिसाब से नहीं टूटेगा। तो अगर यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है 21,500 के आसपास, हो सकता है फिर से एक बार 100-200 पॉइंट का रैली आपको दे दे। तो यहाँ पर जब तक हम 21,500 के नीचे हैं, हम नीचे रहने वाले हैं, एंड इसके ऊपर ही हमको कोई ऊपर का मिल सकता है। तो फर्स्ट हाफ शायद नेगेटिव रहेगा, हो सकता है 50-100 पॉइंट और नीचे चला जाए। हम शायद 21,500 के आसपास सपोर्ट करेंगे, 450-500 के आसपास यहाँ पर सपोर्ट मिल सकता है। अगर मिल जाता है तो 100-200 पॉइंट का मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर ये जो मूवमेंट है अचानक मिल जाता है तो आपको संभलना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद साइडवेज जाके बाद में फिर से नीचे भी आ सकता है। वरना अगर ये नीचे जाकर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो पॉसिबिलिटी है कि अच्छा मौका मिल सकता है। बट ये जो बाउंस बैक है हमको अभी जो दिख रहा है उसके हिसाब से मोस्ट लाइकली ये जो बाउंस बैक है शायद डेड कैट बाउंस की तरह काम करेगा, ऊपर जाएगा पर सस्टेन नहीं करेगा। अभी यहाँ पर ये जो विक्स है, अगर विक्स संभल जाता है, पुल ऑफ करता है, तब हम शायद थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर का एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड सस्टेन करने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं करता है तो यहाँ पर ये जो सेलिंग का प्रेशर आया है, हो सकता है कि ये अभी सेलिंग का जो सिलसिला है यहाँ से जारी रह सकता है। बट ये जो अभी हमारा इस महीने में थोड़ा सा मार्केट इतना आसानी से टूटेगा नहीं, बट हो सकता है कि नेक्स्ट हफ्ते से मार्केट में हमको सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकती है। इस वीकेंड को रिलायंस का रिजल्ट है, अगर रिलायंस होल्ड करने में सक्षम होता है तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वहां से हमको कुछ अच्छा सा मौका मिल सकता है, एक और बाउंस बैक आ सकती है। अगर वो नहीं होता है तो यहाँ पर सेलिंग जो है और ज्यादा गहरा हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइमिंग क्या होगा, यहाँ पर दो टाइमिंग हमको मिल रहा है, 9:15 to 10 o'clock, 12:15 to 12:30 एंड 2:45 to 3 o'clock, ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है। तो पहला जो टाइमिंग है वहां पर देखना पड़ेगा क्या करेगा। अगर फर्स्ट हाफ में, अगर मैंने बोला था नेगेटिव है, तो बाय एनी चांस हम नीचे जाके 21,500 के आसपास सपोर्ट ले लेते हैं और 1-2 घंटे यहाँ पर नीचे के साइड में बिताएंगे, तो दोपहर के बाद हो सकता है कि हमको अच्छा खासा बाउंस बैक मिल जाए। या तो हम साइडवेज रह जाएंगे, या तो फर्स्ट हाफ नेगेटिव है, सेकेंड हाफ पॉजिटिव है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हो। तो ओवरऑल अभी भी निफ्टी में इतना खास हमको प्रेशर नहीं दिखता है जितना प्रेशर हमको बैंक निफ्टी में दिख रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया था बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी वीक है, और आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4% से ज्यादा आज छूटा है बैंक निफ्टी। आज एक्सपायरी भी था, और एक्सपायरी में आप देखोगे तो बहुत ही बड़ा सा मूव आपको नीचे के साइड में मिला है। तो यहाँ पर जो है 45,900-600 यहाँ पर सपोर्ट है एंड 46,200-300 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए, ये 46,300 जो है ये इम्पोर्टेंट ज्ञान नंबर है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करने में सक्षम होता है तो हो सकता है कि एक बार एक और उछाल हमको देखने को मिल सकती है। बट यहाँ पर अगर रेजिस्टेंस ले लेता है, वहां से ही रिवर्स होगा, तो मार्केट में दिक्कतें बढ़ जाएगी। और यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल करना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। अगर ये गैप फिल होगा
और उसके नीचे सस्टेन करेगा तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे है, ये जो भी अपसाइड था वो सारा थम चुका है। तो ये आपके लिए क्लियर कट क्लैरिटी दे देगा कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है। अभी तो आपको जो भी मिल रहा है अभी भी कंफर्मेशन पूरी तरह से नहीं मिला है। एंड अभी एक और चीज भी हो सकती है कि हम जिस जगह पर है ये अच्छा सपोर्ट है। आप देखोगे मंथली देखो 60 के ऊपर है, वीकली देखो 60 के थोड़ा सा नीचे है, बट डेली जो है 40 के आसपास है। अगर यहाँ पर सपोर्ट मिल जाता है तो 60 60 40 जो हमारा ग्रैंडफादर पोजीशन है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से यहाँ पर अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर आप नए हो आपको पता नहीं है इस स्ट्रैटेजी के बारे में, प्लेलिस्ट में स्ट्रैटेजीज में चले जाइए और वहां पर ग्रैंडफादर फादरसन का स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन किया है, उसको एक बार देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा। पहले जब हमने यही स्ट्रैटेजी के बारे में मिड कैप निफ्टी में आपको एक बार बताया था, एंड ये यहाँ पर हमने ये ग्रैंडफादर फादरसन बना था, ये जो नीचे का साइड है यहाँ पर बना था, सॉरी ना यहाँ पर नहीं, ये यहाँ पर बना था, इसके आसपास बना था ग्रैंडफादर फादरसन का स्ट्रेटजी। आप देखोगे यहाँ जो बना था समवेयर अराउंड 8,700 के आसपास, उसके बाद आप देखोगे नॉन स्टॉप मूवमेंट हमको 10,500 तक भी गया है। बहुत ही बड़ा रैली आया है फॉर मिड कैप निफ्टी। तो दिस इज वेरी वेरी पावरफुल। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो वैलिड है, अगर ये 40 RSI के नीचे रह जाएगा तो ये फेल हो जाएगा, वहां पर ये काम नहीं करेगा। अगर नहीं करता है तो इसको हमको नहीं देखना है, तो इसको यहाँ पर सपोर्ट लेना पड़ेगा। अगर सपोर्ट लेता है तो हम मान सकते हैं, क्योंकि निफ्टी भी सपोर्ट पर है, बैंक निफ्टी भी इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। अगर ये सपोर्ट होल्ड करता है तो ठीक है, अगर नहीं करता है तो हमको इसके बारे में नहीं सोचना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी के लिए मैंने टाइम आपको बता दिया क्या? हाँ देखिए, बैंक निफ्टी का टाइम है 10:30 to 10:45, 12:15 to 12:30 एंड 2:45 to 3 o'clock। तो यहाँ पर भी वैसा ही दिख रहा है। अगर देखिए बाय एनी चांस हम सुबह ही ऊपर चले जाएंगे एंड वहां पर 1 2 घंटे ऊपर का साइड बिताते हैं तो सेकेंड हाफ में हमको सेलिंग भी आ सकती है। तो कहाँ पर मार्केट फंसाएगा, बाइंग के साइड या सेलिंग के साइड, हमको देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो फिलहाल सारे बायर्स को उन्होंने ट्रैप कर लिया है, तो अभी बायर्स ट्रैप हो चुके हैं तो हो सकता है कि बायर्स को ही ट्रैप करे और ये जो सिलसिला है जारी रह सकता है। अगर बाई एनी चांस नहीं होगा तो यहाँ पर हो सकता है कि एक और बार कोशिश कर सकता है बुल्स ये जो गैप है उसको फिल करने के लिए। तो अगर ये होल्ड करता है आज के हाई के ऊपर, हमको होल्ड करना इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद ही कोई बड़ा सा मूवमेंट आ सकता है। आज का हाई तो बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हम अभी के लिए तो 46,300 बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, उसके ऊपर जाएगा तभी हम मानेंगे। निफ्टी के लिए 21,650 के ऊपर रहना इम्पोर्टेंट है, तभी हम मान सकते हैं कि यहाँ पर कुछ और बाउंस बैक आएगा, वरना ये ऐसे ही तंग करके नीचे जाएगा तो और ज्यादा नीचे जा सकता है। तो यहाँ पर फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए ये जो गैप है इसके आसपास ही है। आप देख सकते हो कि ये फाइनेंस निफ्टी में ये जो गैप है उसके आसपास ही है, तो गैप का जो लेवल है 20,255 है, ठीक है। तो आज का लो है 486, तो और 200 300 पॉइंट का मूवमेंट नीचे का साइड अभी भी है। अगर वो नीचे जाता है एंड इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो यहाँ से सेलिंग जो है प्रेशर आ जाएगा। अगर नहीं है तो अभी हम एक सपोर्ट पर ही है, अगर होल्ड करता है तो एक बार फिर से बाउंस बैक आने का भी चांसेस है। तो अभी के लिए 20,450 20,500 सपोर्ट है, 20,550 600 यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पर टाइमिंग जो है 12:30 to 12:45 एंड 2:45 to 3, ये दो टाइमिंग हमको मिल रहा है।
तो फाइनली हम बात कर लेते हैं मिड कैप निफ्टी की। मिड कैप निफ्टी में देख लीजिए 10,400, 10,425 यहाँ पर सपोर्ट है, 10,775, 600 इसके आसपास रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये रेंज है वही रेंज है, अगर ये टूटेगा तब यहाँ से सेलिंग आएगी। ओवरऑल अभी के लिए हम इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर ही है मिड कैप निफ्टी में भी। अगर ये टूटेगा तो ही वीकनेस आएगा, अगर ये नहीं टूटता है तो ये फिर से एक बार सपोर्ट दे भी सकता है। तो यहाँ पर जो टाइमिंग हमको मिल रहा है 9:15 to 9:30 है एंड 1 to 1:15 है। तो ओवरऑल जो हमको दिख रहा है मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर मुझे तो यहाँ पर शायद होल्ड कर पाएगा, इम्पोर्टेंट सपोर्ट पर है। यहाँ पर इस जगह पर सेलिंग नहीं बनती है, कोई बाउंस बैक आता है वहां पर सेलिंग करना ठीक रहेगा। ऑन सेल ऑन रैलीज के हिसाब से आप बात करेंगे तो कल के लिए जो हमने लेवल्स निकाले हैं वो कोई काम नहीं कर रहा है, क्योंकि सुबह अगर लेवल्स निकालते हैं तो अलग बात थी, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन के बाद यहाँ पर ये काम करने वाला नहीं था। एनीवे कल के हिसाब से वो तो ऑलरेडी नीचे ही था और नीचे ही रहा है। तो आज के लिए क्या होगा 21,851 and 550, तो 550 851। देखिए अगर यहाँ पर बाइंग आना है तो जैसे मैंने आपको बताया था 21,650 मैंने बताया था, आप देखो यहाँ पर भी उसके आसपास ही आ रहा है। 644 के ऊपर आएगा तब हम मान सकते हैं कि ऊपर जा सकता है, तब पॉसिबिलिटी है कि 50, 50 to 100 points का मूवमेंट आ सकता है, 21,738 तक आ सकता है। अगर ये होल्ड करता है तो आज का हाई तक आ सकता है, तो बड़ा मुश्किल ही लगता है, बट अगर होगा तो अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। ऑन द अदर हैंड नीचे के लिए जब तक ये 757 के नीचे है 663 आ सकता है, 663 के नीचे रहेगा तो आज का जो लो है उसके आसपास आएगा। तो देखिए हम ऑलमोस्ट उसी के आसपास ही है डे के लो के आसपास। अगर डे के लो के नीचे हमको आना है तो पहले तो 526 के नीचे हमको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है, तब 503 आ सकता है एंड वो सस्टेन करता है तो 475 आ सकता है। तो 475 के नीचे अगर जाना है तो 451 को होल्ड करना इम्पोर्टेंट है, अगर ये होल्ड हो जाता है तो 428 आ सकता है एंड 400 भी आ सकता है। तो जो मुझे दिख रहा है मार्केट के अंदर जो है 21,400 से लेकर 21,600 के आसपास शायद हम इस रेंज में रहने वाले हैं। एंड यहाँ पर जो हमारे लिए पिवोट का हिसाब से बनेगा 21,500 है। आज इतना बड़ा मूवमेंट आया है, जरूरी नहीं है कि हर दिन इतना बड़ा मूवमेंट है, 21,500 हमारे लिए पिवोट है। जब तक उसके ऊपर हम रहेंगे पॉसिबिलिटी है हम थोड़ा पॉजिटिव रहेंगे, इसके नीचे रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल अभी जब तक हम 650 के ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं तब तक ये जो भी मूवमेंट आएगा उसको आपको खाली बाउंस बैक करके ही समझना है। एंड यहाँ पर अगर रिजेक्ट हो जाता है तो वहां पर फिर से सेलिंग का ही आपको एक्सपेक्टेशन रखना पड़ेगा। तो अभी बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए 747,242,45,979,980, 1 मिनट यहाँ पर डाल देता हूँ 47,97,97,980, सॉरी 46,980 है ना, फोर्टी फाइव नाइन एटी ठीक है। एंड ऊपर के लिए 47,213, 47,213 ठीक है। तो ये हमारा रेंज था फॉर बैंक निफ्टी। एंड उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे, देखिए
जब तक ये 46,350 के ऊपर नहीं निकलता है तब तक हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। मैंने आपको जो लेवल भी बताया था वो भी वही बता रहा था, 46,300 मैंने बताया था, यहाँ पर 365 आ रहा है एंड उसके ऊपर निकलता है तो 46,751 तक आ सकता है, उसके ऊपर सस्टेन करता है तो आज का हाई तक आ सकता है, जो थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है, बट अगर होल्ड करने में सक्षम होता है, क्लोजिंग देता है, तब हम पॉसिबल है कि परसों के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये 828 के नीचे रहता है जो है, तो 46,442 के नीचे आएगा, तो उसके नीचे ऑलरेडी है, हम ऑलमोस्ट हम दिन के नीचे के स्तर पर ही है। अगर इसके नीचे अगर जाना है तो 45,884 के नीचे इसको सस्टेन करना इम्पोर्टेंट है। अगर ये सस्टेन करता है तो 45,787 आ सकता है एंड अगर इसके नीचे सस्टेन करता है तो 45,672 आ सकता है एंड अगर ये 672 के नीचे जाना है तो 575 के नीचे जाना इम्पोर्टेंट है, तब 479 आ सकता है एंड 364, ये सारा चीजें आ सकती है। देखिए यहाँ पर जो मुझे रेंज दिख रहा है उसके हिसाब से हो सकता है हम 45,700-800 के आसपास सपोर्ट ले एंड 46,300 के आसपास रेजिस्टेंस ले, पॉसिबिलिटी यही दिखता है, हो सकता है 100-200 पॉइंट नीचे ऊपर जा सकता है एंड यहाँ पर 46,000 आपके लिए पिवोट रहेगा, 46,000 के ऊपर हम शायद ऊपर रहेंगे, उसके नीचे हम नीचे रहेंगे। तो ये मेरा एक्सपेक्टेशन है मार्केट के प्रति कल के लिए। तो दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन गाइज, आई होप आपको इससे मदद मिल रही है। आपको इसे मदद मिलती है तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करना मत भूलिए ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए जब भी मैं कोई नया वीडियो डालता हूँ, और वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को हिट करके आप सारे अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बता दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।